हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ओमिक्रॉन के लक्षण, बचाव आदि को लेकर विशेष जानकारियां दी हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है। दुर्ग जिला ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बड़ी संख्या में प्रतिदिन लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इसके साथ ही ओमिक्रॉन का संक्रमण भी फैलने का अंदेशा लगातार बढ़ रहा है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली को पूर्व में कोरोना संक्रमण के दौरान जिले का कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। यहां कोरोना संक्रमितों की चिकित्सा को लेकर व्यापक रूप से तैयारियां की गई थी, जिससे अनेकों मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट सके थे। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ओमिक्रॉन संक्रमण से बचाव, अस्पताल में मौजूद चिकित्सा संसाधनों को लेकर वायरस से बचने, प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी है। अस्पताल के नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर विजय गावंडे, एमडी मेडिसिन डॉक्टर सुशांत खांडे, आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख ने कहा कि नए वेरिएंट से हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य है। डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने नए वेरिएंट को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। आईसीयू बेड के अलावा 100 बेड ऑक्सीजन के भी उपलब्ध हैं। मैं विजय गावंडे, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज, एसआर हॉस्पिटल चिखली। मैं एसआर हॉस्पिटल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो कोविड का वेरिएंट आ रहा है, उसके लिए हमने अपने अस्पताल में पूरी तैयारियां कर ली है। हमारे पास 20 आईसीयू के बेड है, साथ ही साथ करीब 100 बेड हमने ऑक्सीजन सप्लाई के साथ तैयार कर लिए हैं। इसके साथ ही हमने स्टाफ का रिक्रूटमेंट भी एडिशनल शुरू कर दिया है, जिसके द्वारा हमें मरीजों की सेवा करने में किसी तरीके से तकलीफ ना हो। हम इसलिए भी तैयार हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोविड के ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो हम उनको अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास और भी एक्स्ट्रा बेड हमारे पास रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल में 300 बेड है और हम अभी 120 बेड कोविड के लिए तैयार कर चुके हैं। मैं पूरे समाज से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जितना हो सके उतनी हम गवर्नमेंट की लाइन, जो एडवाइजरी लाइन है, उसको हम फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड वॉश करते रहें, मास्क लगाएं और ज़्यादा भीड़भाड़ ना बढ़ाएं। हमारी यही शुभेच्छा है कि आप कोई भी इस संक्रमण के चपेट में ना आए, अच्छा स्वास्थ्य पाए, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुशांत कांडे, एमडी मेडिसिन, एसआर अस्पताल चिखली में मेडिसिन विभाग में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोविड की तीसरी लहर जिस तेज़ी से बढ़ रही है, हम सभी ने उसकी तैयारी अपने अस्पताल में, एसआर अस्पताल में प्रारंभ कर दी है। सेकेंड वेव में, कोविड के दूसरे लहर में जिस प्रकार की असुविधा हुई थी, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, उस बीच एसआर अस्पताल चिखली ने बड़ी ही सुविधा के साथ आईसीयू मेंटेन करते हुए कोविड के इन्फेक्शन के मरीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से उपचार दिया था। उस ट्रीटमेंट में मेरे द्वारा, मैं कोविड का इंचार्ज था, कोविड के पेशेंट का उपचार मेरे द्वारा किया गया था और हमारे चेयरमैन सर संजय तिवारी सर के मार्गदर्शन में हमने कोविड की दूसरी लहर में बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया था। और इस बार जिस तरीके से जो कोविड का तीसरा लहर आया है और चारों प्रदेशों में, भारत के सभी प्रदेशों में जिस प्रकार की इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसको देखते हुए हमने अपने अस्पताल में तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। हमारे अस्पताल में आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, हमारे अस्पताल में सर के मार्गदर्शन में अभी हमने एक टीम तैयार कर ली है, जिसका मार्गदर्शक मैं स्वयं मेडिसिन विभाग देख रहा हूं और हमारी क्रिटिकल केयर की टीम, सभी डॉक्टरों की टीम अपनी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। कोविड का जो तीसरा लहर है, उसमें एक नया वेरिएंट देखने को मिला है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि बहुत ही म्यूटेटेड फॉर्म में आया है और इसकी जो संक्रमण की क्षमता है, सेकेंड वेव में जो डेल्टा वेव था उससे ही बहुत ज़्यादा संक्रमण की क्षमता है। लेकिन जैसा कि डेटा WHO द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो मिला है, उस रिपोर्ट को देखते हुए इसमें मृत्यु दर जो है वो सेकेंड वेव की तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन संक्रमण क्षमता बहुत ही ज़्यादा है। कोविड वैक्सीनेशन जो भारत सरकार ने दूसरी लहर के समय प्रारंभ की थी, उस समय
जिस भी लोगों ने कोविड का वैक्सीन लिया था उनमें सिम्टम थोड़े कम देखने को मिले थे, और जो पेशेंट जो मरीज कोविड वैक्सीनेशन नहीं लिए थे उनमें ये संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला और कई मरीजों की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो हमको ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं वो तो थोड़े संक्रमण से बचे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो यथाशीघ्र वैक्सीन ले लें। और जो जो गाइडलाइन भारत सरकार के द्वारा जो जारी की गई है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा जारी की गई है, उन सभी गाइडलाइन को पालन करें, मास्क पहनें, डिस्टेंस मेंटेन करें, सार्वजनिक जगह पे जाने से बचें, अपना बचाव करें, परिवार का बचाव करें, स्वस्थ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। SR अस्पताल चिखली, चेयरमैन सर संजय तिवारी के मार्गदर्शन में, जनरल मेडिसिन विभाग मेरे मार्गदर्शन में, हमारी टीम के मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छी सुविधा देने के लिए अपनी तैयारी कर चुका है। हमारे पास कोविड से निपटने के लिए सारी व्यवस्था अस्पताल में मौजूद है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग यहाँ पर ICU विभाग तथा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट इंचार्ज के हैसियत से कार्यरत हूँ। पिछले कोरोना की महामारी में SR हॉस्पिटल ने काफ़ी अच्छी तरीके से मरीजों की देखभाल की है। यहाँ से कई मरीज स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। अभी जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है इसने भी सब तरफ काफ़ी हाहाकार मचाया हुआ है, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। शासन द्वारा जो समय समय पर दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार SR हॉस्पिटल में चेयरमैन सर श्री संजय तिवारी इनके मार्गदर्शन में हमने 100 बेड का पेशेंट मरीजों के लिए तैयारी की हुई है। यदि पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास 20 बिस्तरों का ICU विभाग रेडी है। आशा करता हूँ कि आप सारे बचाव के तरीकों का पालन करेंगे। मास्क पहनिए, हाथों को बार बार धोइए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए। मैं यही इच्छा करता हूँ भगवान से कि आप सभी स्वस्थ रहें, पर यदि किसी अभाग्यवश अगर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पर तत्पर हैं आपकी सेवा के लिए। धन्यवाद। गौरतलब है कि पूर्व में कोरोना संक्रमण के दौरान अस्पताल प्रबंधन द्वारा संक्रमितों के इलाज को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई थी। अब अतिरिक्त स्टाफ के साथ ऑक्सीजन और ICU बेड उपलब्ध कराए गए हैं। बहरहाल वायरस से बचाव को लेकर स्वयं जागरूक रहकर दूसरों को भी जागरूक किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।